नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी टेलीवर में। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं अभी कि COVID-19 के कारण ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, तो बच्चों को इस समय काफ़ी परेशानी का स्वागत करना पड़ रहा है। तो मेरे बच्चों के द्वारा कहने के कारण मैंने भी अपने आप को सोचा क्यों ना यूट्यूब पर लाया जाए और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जाए। तो दोस्तों, जिन्हें नहीं पता है कि वास्तव में सिलेबस क्या होता है, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि अगर देखा जाए तो मैं GS को सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि GS में कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट होते हैं और कौन कौन से माइनर सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे सब्जेक्ट, ऐसा सिलेबस जो ज़्यादा आता है और जिसका बड़ा पोर्शन आता है आपके एग्ज़ाम में। तो अगर दोस्तों देखना चाहें तो देखिए, तो दोस्तों आपने देखा कि GS को मुख्य रूप से 5 मेजर पोर्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका इतिहास, और इतिहास को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला विश्व का इतिहास और दूसरा भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, पहला है आपका एंशियंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा है आपका मेडिवल हिस्ट्री अर्थात मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आपका मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात आधुनिक भारत का इतिहास। दूसरा मेजर पोर्शन जो बेटा एग्जाम में आता है वो है आपका जियोग्राफी अर्थात भूगोल, और भूगोल को 2 भागों में विभाजित किया गया, पहला है आपका भारतीय भूगोल और दूसरा है आपका वर्ल्ड का अर्थात विश्व का भूगोल। इसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक्स। तो अर्थव्यवस्था में बेटा हम भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे और साथ ही साथ IR अर्थात अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप, कि हमारा देशों के साथ में दूसरे देशों में किस प्रकार से आर्थिक व्यवहार है और किस प्रकार से हमारा उनके साथ में बिजनेस चल रहा है। चौथा पोर्शन देखेंगे तो ये है आपका पॉलिटी अर्थात भारतीय संविधान। पांचवा पोर्शन जो है इसे कहा जाता है विज्ञान साइंस, और साइंस को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया, पहला है आपका फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान, दूसरा है आपका केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान, और तीसरा है आपका बायोलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान। इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एनवायरमेंटल साइंस से आ जाते हैं अर्थात EVS के क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो इस प्रकार से GS के पोर्शन को मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, तो आपने देखा है GS को मुख्य रूप से मैंने बताया 5 पार्ट पोर्शन में डिवाइड किया गया है। बच्चों के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्जाम में आते हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो मैंने आपको बताया कि GS को मुख्य रूप से 5 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। अब इन पाँचों में हम एक एक पोर्शन को लेंगे और उसके एक एक टॉपिक को पूरा का पूरा ब्रॉड तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे